दोस्तों अकेले हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा। हमारे बेबी का चौथा महीना लग गया है, तो 5-6 महीने की। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसे कभी देखिए, हम यहाँ पाए हैं कौशल, जहाँ पर रहते थे पहले। और दोस्तों कन्हैया और कौशल में क्या विवाद हो गया, जो कि अलग अलग हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों पूछते हैं भाई से, क्यों अलग हो गए? कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ दिक्कत है, अलग होना जरूरी है जी। डिटेल में बता दे तो हम इनको साथ लेकर जाने वाले थे वहाँ, लेकिन दिक्कत यह है कि ये पापा बनने वाले हैं, तो यहीं से डिलीवरी होना था यहाँ चरगावा से, जिसकी वजह से तब तक ये यहीं रहेंगे जी। और हमको जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि 3 तारीख को साइट है, घर बनना शुरू होना। 3 तारीख के बाद कोई साइट भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, बरसात भी आने वाला है जी जी, तो दिक्कत होगा। इसकी वजह से हम आ रहे हैं कि बनवाएंगे तो सही रहेगा ना। आज 20 तारीख है, 5 दिन तो वहाँ व्यवस्थित सब करने में लग जाएगा। तो सामान वन सब मतलब वहाँ पर रख दिए? हाँ, सामान वन लेके पहुँच गए हैं और अभी आ गए हैं यहाँ, क्योंकि कल लाइट नहीं थी वहाँ, उसी दिन लाइट खराब हो गया जी जी, इसीलिए भागा लाना पड़ा। वहाँ बहुत ज्यादा मतलब धूप उप लग रहा, बहुत मजा आवा था, हल्का लेता कहीं ना लगा, नलका ना चलो लगा। ठीक है ठीक है, बहुत शानदार लोकेशन है दोस्तों, बहुत ही मतलब मस्त है, नेचुरल है वहाँ पर, जो कि चारों तरफ घास है और पेड़ पौधे सब है। तो यहाँ पर कन्हैया भाई बैठे हैं, तो कन्हैया भाई क्या हुआ है? कन्हैया भाई क्यों अलग हो गए हैं आप लोग, ऐसा क्या हुआ है? जैसे कि अभी भैया बताए हैं, वही मजबूरी है, वही मजबूरी है, बस 2-3 महीने बन जाएगा। तो 2-3 महीने के बाद आप भी चले जाएंगे वहाँ पर? नहीं, अभी तो हमें समय लगेगा जी, मतलब 2-3 महीने बाद घर और बनवाना है, और अभी तो हमको समय लगेगा लगभग 7-8 महीने जी जी, यहाँ पे रहेंगे जब तक हमारी वाइफ का डिलीवरी नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सुविधा सब चीज़ अच्छा है, इसकी वजह से यहीं पे रह के हम डिलीवरी करें। चलिए बिल्कुल दोस्तों, देखिए यहाँ पे भाभी बैठी हैं, सालू भाभी। और भाभी क्या हाल है? अभी कैसा लग रहा है आपको? नहीं अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि दीदी हमारी चली गई, इसीलिए हमको नहीं अच्छा लग रहा है। तो मतलब आप, हमारा बाबू चला गया जी जी, तो आप कब तक जाएंगे वहाँ पे? 6-7 महीना लगेगा जी जी। तो दोस्तों देखिए, इसी रूम में कौशल भाई रहते थे, जो कि सब सामान खाली हो गया है। देखिए यहाँ पर जहाँ पर न्यू घर बन रहा है वहाँ चले गए हैं दोस्तों। अकेले हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा। आज हमारे देवर जी आए हैं, क्यूट से देवर जी हमसे मिलने, तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि दोस्तों हमको भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, इसलिए कि दोनों लोग भाभी एक ही साथ रहती थी और अच्छा लग रहा था, लेकिन अब दूरी हो गया है तो कितना मतलब मुश्किल हो रहा होगा, अब हम ही जानते हैं और इनको मालूम होगा। हाँ दोस्तों, रात में नींद ही नहीं लग रहा था जी, हाँ तो बहुत बेकार लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, और यही मन कर रहा था भाग जाए वहीं पे। और बाबू भी रहता था तो दिन भर खिलाते अच्छा थे, दिन भर हमारे साथ खेलता था, उसको बहुत खिलाते थे, रात में हमको यही सब याद आ रहा था। इतना ज्यादा प्यार है ना दोस्तों कि हम क्या बताएं। कुछ दिन का बात है दोस्तों, फिर से ये भी चली जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, हम लोग आते जाते रहेंगे, पर जैसे अब यहाँ हमेशा साथ में रहते थे तो और कुछ बात थी, और वहाँ पे कितना भी जाए लेकिन वो बात नहीं रहेगी ना, तो हम भी जाएंगे, हमारा बेबी हो जाएगा, तो हमारे बेबी जल्दी आने वाला है। हमारे बेबी का 4th महीना लग गया है, तो 5-6 महीने की और बात है, आप हमारे को आएंगे ना जी? बिल्कुल। हम देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, हमारे घर कुछ भी पड़े, अगर हम बाई चांस से आपको नहीं बता पाए तो आपको जरूर आना है जी, हम आज ही से न्योता दे रहे हैं। आप नहीं आते हैं ना तो हमको अच्छा नहीं लगता है, आप कहीं भी दोस्तों हम क्या बताएं, नहीं जाते हैं तो हमको नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि एक यही देवर जी हैं, एक अनुज बाबू जी हैं, वो तो नहीं आ पाते हैं, यही आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप आइएगा ना। और दोस्तों क्या बताएं, तबीयत भी बहुत ख़राब है वहाँ पे, देखिए हमारे हस्बैंड खाना बना रहे हैं, और सूर्य ग्रहण लगा था आज तो 10 बजे तक था, तो अभी बाबा जी फ़ोन किए, बोले 12 बजे तक है, बाबा जी फ़ोन किए कहे 12 बजे तक है, हमारी पत्नी अभी टहल रही है, हम कहे हम तो मर जाए पत्नी टहलते हो, दोस्तों हम नहीं टहल पाए, क्या बताए, तो बहुत दिक्कत है, और हमको चक्कर भी आने लगा, हम कई बार गिर पड़े थे वही रूम में।